आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन का केंद्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। केंद्रीय अधिवेशन में हंगामा शुरू हो गया। नारेबाजी से शुरू हुआ हंगामा खींचतान और हाथापाई तक भी पहुंच गया। आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन का केंद्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। केंद्रीय अधिवेशन में नारेबाजी शुरू हो गई। अपने नेताओं को चुनना था, लेकिन शुरू हो गई नारेबाजी। बच्चों की जंग नारेबाजी से शुरू हुई। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने लगे। नारे जोर जोर से लगाए जा रहे थे। नारे की आवाज इतनी तेज थी कि किसी की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, बस नारेबाजी चल रही थी। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे के बीच खींचतान शुरू हो गई। एक दूसरे को NCRMU के कार्यकर्ता खींच रहे थे। देखते ही देखते खींचतान हाथापाई में बदल गई, क्योंकि जंग बच्चों की थी। NCRMU के नेता लगातार समझा रहे थे, माइक लेकर समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नारेबाजी और हंगामा करने वालों की आवाज इतनी तेज थी कि माइक की आवाज भी कम पड़ गई। हार कर नेता अपने स्थान पर बैठ गए। आगरा मंडल के नेता भी खींचतान के शिकार हो गए। NCRMU के केंद्रीय नेताओं से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि अधिवेशन है, वर्कर उत्साहित हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ हो ही जाता है। कुछ नेता तो खींचतान की बात से इंकार करते भी नजर आए। स्टैंडिंग कमिटी में डिसाइड हो गया है, कैसे ऐसे होगा, अब उनको रास नहीं आया, वो हल्ला करवा रहे, कोई बात थोड़ी है। और हल्ला गुल्ला तो रोज होता था हमारे यहाँ, बहुत हम लोग आदत पड़ गई हल्ला सुनने की। अरे नहीं, मारपीट नहीं होगी भाई, मारपीट के लिए हम थोड़ी आए हैं। कैडर है, यूनियन का कैडर, जागरूक कैडर हमारा, वो सब अपनी अपनी बातें कह रहे, सब कहने का हक है। अब वैसे चिल्ला रहे हैं, अभी आके यहाँ बोलने का मैं मौका दूंगा, अपनी बात यहाँ कहिए, फर्क यही है वहाँ चिल्लाने के बजाय यहाँ मौके प्लेटफॉर्म पर आके, जो यूनियन का फोरम है, यहाँ पर माइक पर आके अपनी बातें कहिए, जो बातें सही है सुनी जाएगी। ऐसा थोड़ी है, हमारे यहाँ जनतंत्र है, लोकतंत्र है, हम सब बातें सुनती हैं, और जो जन भावना होती है, मेजॉरिटी कहती है, वही मांग किया जाता है। इसलिए उनको व्यक्ति विशेष के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी बात सुनी जाएगी, सुना है फिर सुनेंगे, चिल्ला रहे लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ खुला ऑर्गेनाइजेशन है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, हर आदमी को बात सुननी चाहिए। हमारे साथी हैं, घर के साथी हैं, उनको बात का हक है, उनको अगर लगता है कि वैसे तो उनको बैठ करके अपनी बात सुननी चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा है जिसको ज़्यादा लोग बात करें उसको मानना चाहिए। अरे ये सब इंटरनल मामला है, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोग सब एक घर के लोग हैं, एक साथ रहेंगे, संगठन जो है वो मजबूत है, उसी तरीके से रहेगा, और जो भी चुनौतियां आएंगी भारत सरकार की, हम उनका मुकाबला करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगरा रेल मंडल के नेताओं से जब पूछा गया तो उनका भी यही जवाब था। उनका कहना था कि ऐसा होता रहता है, अब सब कुछ ठीक है। विवाद तो ये लाल झंडे के कॉमरेड हैं, तो काफ़ी संघर्षशील रहते हैं, तो ये नारेबाजी और ये जिंदाबाद मुर्दाबाद तो ये चलती रहती है। नहीं, आपस में ऐसा कोई वो नहीं है कि ये तो जब भी कोई चुनावी मुद्दे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि उनको लेके, या भारत सरकार के तरफ से कोई बात हुई हो, या आपसी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि संगठन, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। कोई डिवीजन हर पदाधिकारी चुनाव में भाग लेने वाला अपने अपने आदमी को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का हो, नहीं नहीं कोई खींचतान नहीं है, सब शांति प्रिय है। देखिए वो जिनसे खींचतान जिन्हें आप समझ रहे थे वो सारे लोग शांति से बैठे हुए हैं और मंच पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसा खींचतान नहीं है। नहीं अब शांति नहीं, शांति ही थी, अपने अपने समर्थक के उसमें लोग नारे लगा रहे थे, कोई ऐसे ना कोई खींचतान थी ना कोई झगड़ा था, सब नॉर्मल है। एक बार तो ऐसा लगा कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन का केंद्रीय अधिवेशन हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों को धीरे धीरे बाहर निकाला गया। इसी बीच गाना बजा दिया गया, नारेबाजी की आवाज गाने में दब गई। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।